नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ मैं सौम्या। बलिया सीएमओ को सीएचसी सीयर में दिखा सब ठीक, बायो वेस्ट मटेरियल के प्रबंधन में दिखी कमी। बीपीएचयू भवन बनकर तैयार, कब तक मिलेगी सौगात? बोले सीएमओ, वर्ल्ड क्लास जांच व भी मरीज के मोबाइल पर, जाने सीयर सीएचसी में कब हो रही शुरू। खबर जनपद बलिया से। आज जनपद के बिल्थरा रोड तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। जनता की मूलभूत सुविधाओं में से एक सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य को लेकर है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजयपति द्विवेदी भी मौजूद हैं। समाधान दिवस से सीधे सीयर सीएचसी पहुंच गए, जहां अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ से मिले, उनका फीडबैक लिया, प्रेरणा कैंटीन का निरीक्षण किया। भारत मीडिया ने उनसे बात की और जाना सीयर सीएचसी का हाल। उन्हें तो बस बायो वेस्ट मटेरियल के प्रबंधन के अलावा सब कुछ ठीक लगा। हमारे साथ जो है सीएमओ साहब जो मौजूद हैं और विजयपति द्विवेदी जी ने आज निरीक्षण किया है प्रेरणा कंटीन में, जो है उनसे जो जानेंगे कि सीएससी सीयर पे जो है मौजूद है, क्या देखा, क्या आपने कुछ देखा भी है, क्या देखा है, किस क्या पाया? सेवा तो अच्छी दी जा रही है, लगभग 600 लोगों की ओपीडी है यहाँ। डिलीवरी रूम में भी हमारे स्टाफ तैयार हैं। प्रेग्नेंट महिला लेबर पेन में आई हुई है, वो भर्ती भी है, इलाज भी हो रहा है, बाहर से दवा भी नहीं मंगाई गई है। ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगा। जो कम अच्छा लगा हमें उसमें है बायोमेडिकल वेस्ट का अलग अलग 3 बाल्टियों में डिस्पोजल होना चाहिए, चीजें अलग करके सेग्रीगेट करके उसमें डालना चाहिए, वो अभी हैबिट में नहीं है। इसलिए कुछ लाल बाल्टी का पीले में मिल गया, पीले का लाल में मिल गया है। इसका हमने उन लोगों को कमिटमेंट भी कराया है, स्टाफ नर्सों को, कि कल से हम लोग आदत बनाएंगे। और हमने कहा है डेली 5 बजे 2 दिन की लाल और पीले की क्या डाला गया है हमको फोटो भेज दिया करेगी व्हाट्सएप पे, जिससे फैले ना बायो हैजार्ड, तभी हम लोग विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। आपने पिछले दिनों सीएमओ साहब का फिल्मी अवतार तो देखा होगा, कैसे स्कूटी पर सवार हो मुंह पर गमछा बांध जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और एक डॉक्टर को बाहर की दवा लिखते रंगे हाथों पकड़ लिया। आज से सीयर सीएचसी का पूरा स्टाफ अलर्ट मोड में दिखा, सबने आई कार्ड भी लगा रखा था। हमने पूछ लिया, कभी अपना पहचान छुपा कर निरीक्षण करे तब पता चले। देखा गया है बलिया अस्पताल का जो निरीक्षण करने जाते हैं और कोई पहचान नहीं पाता है, कभी जो है बेल्था और सीएससी का भी इस तरह से निरीक्षण करने आइए और देखिए क्या है यहाँ पे। वहाँ के निरीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बार बार डेली का डेली कुछ न कुछ शिकायतें आने लगी थी कि बाहर से दवा, बाहर से दवा। तो मैंने लिखवा के व्हाट्सएप नंबर अपना डाल दिया कि कोई बाहर से दवा लिखे तो पर्ची और दवाई दोनों का फोटो भेज दो, लेकिन फिर भी मरीज और मरीज का साथी जब परेशानी में होता है कुछ नहीं भेजता है, संकोच। तो माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने इशारा किया कि एक दिन आप रात में ऐसा पगड़ी वगड़ी बांध के सरदार की तरह जाइए कि लोग आपको न जान पाए, आप सच्चाई से रूबरू हो जाइए। इसी के एक प्रयास में हम वहां गए थे और आप जानते ही हैं उसके आगे। एक आश्वासन जो चाहेंगे जो है यहाँ के मरीजों के लिए, जांच की जो व्यवस्था है, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो तैयार है बनकर, तब तक आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों की दशा क्या है। सुधार तो है लेकिन सरकारी दवाएं गंभीर बीमारियों में कितनी कारगर हैं? जांच की व्यवस्था का तो क्या ही कहना, शायद खुद सरकारी डॉक्टर भी भरोसा न कर पाए। ऐसे में सरकार ने ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के रूप में गरीब लोगों के लिए जांच की उत्तम व्यवस्था देनी चाहिए। भवन बनकर तैयार लेकिन अभी तक जांच की बेहतर सुविधा से मरीज दूर, मजबूरन महंगी महंगी जांच उन्हें बाहर करानी पड़ती है। बताने की जरूरत नहीं, इस खेल से आप सभी वाकिफ भी हैं। हमने बीपीएचयू से लेकर सीएमओ साहब से जानना चाहा, उनके द्वारा जो बताया गया वह हमारी सोच से बहुत ज्यादा है। बीपीएचयू 1 से 2 महीने के अंदर सभी जांचें और वर्ल्ड क्लास की रिपोर्ट के साथ उसके मोबाइल पे त्वरित भेजी जाएंगी और वर्ल्ड क्लास रिपोर्टिंग होगी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ। और सबसे पहले अगर विकसित होगा भारत तो हमारा स्वास्थ्य विभाग विकसित होगा, ये मैं आश्वस्त आपको। जो है 1 से 2 महीने में चालू हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा, बिल्कुल चालू हो जाएगा। आप सभी सीएमओ साहब की इन बातों से कितने संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, सीआरसीएचसी के बड़े बड़े डॉक्टर जो सप्ताह में 2 दिन ही आते हैं, समाज सेवी से सीएमओ की हाफ टाक और इनका नतीजा क्या रहा, अगली खबर में जरूर देखें।
पूरी खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहें भारत मीडिया के साथ। इस खबर को भारत मीडिया के लिए कवरेज दे रहे थे सब्बीर अहमद व ओम प्रकाश सिंह।